स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ जो मोमेंट्स मैंने टॉपिक पढ़ाया था पहले, उस मोमेंट्स के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे हम और यहाँ बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि जो मोमेंट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो यहाँ पे लाइक मेसोकुटिक है या प्लैटिकुटिक है या फिर उसका जो क्यूटोसिस है और स्क्यूनेस के बारे में हम पता लगाएंगे, तो बीटा वन और बीटा टू पैरामीटर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले मेरा जो कंसेप्ट बता रखा है मैंने कि मोमेंट्स क्या होते हैं, स्क्यूनेस क्यूटोसिस क्या होती है, प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पे आई टैब लगा हुआ है, इस पे आप जाके मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा पुराना वाला कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, सो वो भी यहाँ पे आई टैब पे जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी पे काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, और अगर आप सीएसआर नेट आईआईटी जेएम या गेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे हर मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसके लिए मेरा कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए मेहनत करने की जरूरत है और आगे मैं कर भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोमेंट, और मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि अगर आपने वहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए आप, उस कंसेप्ट के बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन, आपको यहाँ पे क्या करना है मीन के अबाउट फर्स्ट फोर मोमेंट निकालना है, एंड आल्सो कैलकुलेट बीटा वन एंड बीटा टू, स्टूडेंट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट्स होते हैं ये हमें यहाँ पे क्या करना होंगे निकालना होंगे, क्लियर है। सो हमें दे रखा है x और y की वैल्यू गिवन है, x दे रखा है 1, ये x की वैल्यूज दे रखी है और यहां पे हमें क्या दे रखा है y की वैल्यूज दे रखी है। नॉर्मली स्टूडेंट यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हमें मोमेंट्स दिए होंगे ऑलरेडी, कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा मोमेंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, फिर उस मोमेंट से हमें क्या करना पड़ेगा मोमेंट अबाउट मीन निकालना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे बीटा वन एंड बीटा टू, तो ये लंबा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन ऐसा गिवन होता है एग्जाम के अंदर, अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उसको हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया, अब मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो क्या करूं मैं मोमेंट अबाउट द मीन ओरिजिन निकाल के फिर मोमेंट अबाउट द, क्योंकि अल्टीमेटली मोमेंट अबाउट अगर आपको मीन निकालना तो या तो आपको ओरिजिन पता होना चाहिए या फिर किसी एनी अदर पॉइंट पता होना चाहिए, तो स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एनी अदर पॉइंट पे इसके मोमेंट्स निकालिए। तो मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं यहां पे, है ना, क्योंकि मैंने लिख रखा है यहां पे, तो मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट को म्यू वन डबल डैश से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स माइनस क्या होता है लाइक जो भी पॉइंट हम निकालना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पे सेंटर में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 को ले लीजिए, तो हम 5 के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, है ना, तो 5 के अबाउट निकालेंगे। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो y है ये फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने आपको बोला था कि जो e होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। स्टूडेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है समेशन एक्स पी एक्स होता है और एक होता है एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, पर स्टूडेंट एक और होता है अगर बाई चांस हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एक्स एफ अपन समेशन एफ, ये भी हम लाइक 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ई है ये हटेगा, है ना, तो यहाँ पे आएगा समेशन x माइनस 5 इंटू एफ अपॉन समेशन f आएगा, क्लियर है, तो ये वैल्यू निकालेंगे हम। इसी टाइप से हम यहाँ पे निकालेंगे म्यू टू डबल डैश, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट e x माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा समेशन x माइनस 5 का स्क्वायर f अपॉन समेशन f। इसी टाइप से हम यहाँ निकालेंगे म्यू 3 डबल डैश, तो ये आएगा e x माइनस 5 का क्यूब इंटू समेशन x माइनस 5 का क्यूब इंटू f अपॉन समेशन, सॉरी यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो यहाँ पे म्यू 3 डबल डैश आएगा ई एक्स माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस 5 का क्यूब अपॉन समेशन एफ, है ना। एंड यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट लेंगे दैट इज म्यू 4 डबल डैश, है ना, तो ये आएगा म्यू 4 डबल डैश इज इक्वल टू आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, है ना, क्या आएगी ई एक्स माइनस 5 की पावर 4 दैट इज समेशन x माइनस 5 पावर 4 इंटू एफ अपॉन समेशन f आएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आपने तो यहाँ पे डैश लगा रखा है, यहाँ पे आपने डबल डैश की वैल्यू निकाल रखी है, मतलब ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है और ये तो मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट है, तो फिर कैसे करेंगे। तो भैया मैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डबल डैश कर दीजिए, उसमें भी ये फार्मूला यही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है, है ना, ये फार्मूला यही रहेगा,
मोमेंट अबाउट ओरिजिन मीन निकालने का है ना, बस यहाँ डबल डैश आ जाएगा, क्लियर है। तो हम यहाँ से इन सब की वैल्यू निकाल के उठा के वहाँ रखेंगे तो हमारे पास मीन मोमेंट्स अबाउट मीन निकल जाएंगे, फिर हम बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स माइनस फाइव निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये एक्स माइनस फाइव यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस फाइव निकालेंगे कितना है यहाँ पे, माइनस का फोर, माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे x माइनस फाइव इंटू एफ निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए f वहाँ पे है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का फोर, माइनस का एटीन, माइनस का ट्वेंटी सिक्स, माइनस का ट्वेंटी फाइव, ज़ीरो, ट्वेंटी टू, एटीन, फिफ्टीन एंड एट। नाउ x माइनस फाइव का स्क्वायर इंटू एफ निकालेंगे हम, स्क्वायर करेंगे आप तो इसका स्क्वायर कर दो है ना, तो लाइक वापस इसी को मल्टीप्लाई कर दो इससे तो ये आएगा आपके पास 16 है ना। देखो x माइनस फाइव को इससे मल्टीप्लाई कर दो वापस ये आ जाएगा ना, देन 54 है ना, देन ये आएगा 52 है ना, देन ये आएगा आपके पास 25, 0, 22, 36, 45 एंड 32, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे वापस x माइनस फाइव का क्यूब इंटू एफ निकालना है ना, ये सब चाहिए आपको, ये सब वैल्यूज चाहिए ना, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, राइट। तो इसका वापस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अरे भाई इसको इसको करेंगे तो वापस क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 64 माइनस का है ना, यहाँ पे कितना आएगा 12, 2, 1, 15, 16, 162 है ना, ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 104, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, 0, 22, ये आएगा आपके पास 72 है ना, ये आएगा आपके पास 135 है ना, और ये आएगा आपके पास 8 एंड 128, क्लियर। इसी टाइप से हम यहाँ पे x माइनस फाइव की पावर 4 इंटू एफ निकालेंगे, तो स्टूडेंट वापस क्या कर दीजिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट वही सेम मैंने बोला था अभी आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनका सम कर दीजिए, समेशन एफ निकाल लीजिए, 113 आएगा, फिर इसका सम करेंगे तो ये 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 वैल्यू आएगी। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आप यहाँ पे क्या समेशन x माइनस फाइव की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस 10 आ रही, तो माइनस 10 अपॉन 113 हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 0.0088 है ना, ये हमारी वैल्यू आएगी, क्लियर है। सॉरी एक ही बार जीरो आएगा ना है ना, 0.88 आएगा, 0.88 क्लियर है। नाउ हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 282 है ना, इसका समेशन की वैल्यू 282 आ रहा है और ये आ रहा 113, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.496। इसी टाइप से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट देखिए आप इसकी वैल्यू आ रही है 2 है ना, और नीचे आएगा 113, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट है यहाँ पे है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.018 आएगा है ना, ये वैल्यूज आती जा रही है आपके पास है ना। इसी टाइप से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2058 डिवाइडेड बाय 113, और इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 18.212। स्टूडेंट ये सब जो वैल्यू आ रही है आपके पास म्यू वन डैश, म्यू फोर डैश है ना, ये लाइक आपके पास म्यू थ्री डैश की वैल्यू आ रही है, ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट आपके पास म्यू टू डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 2.496 का ये वैल्यू, माइनस म्यू वन डैश और म्यू वन डैश की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस का 0.088 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी मोमेंट्स फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2.488 आएगा, क्लियर है। इसी टाइप से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट म्यू थ्री डबल डैश, तो म्यू थ्री डबल डैश की वैल्यू आ रही है 0.018 है ना, माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश की वैल्यू आ रही है आपके पास 2.496 इंटू म्यू वन डैश माइनस का 0.088 है ना, प्लस 2 इंटू ये आएगा माइनस का 0.088 का क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास 0.6755 है ना। इसी टाइप से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे म्यू फोर डैश, तो म्यू फोर डैश हमारे पास आ रहा है ये 18.212 माइनस का 4, म्यू थ्री डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.018 है ना, ना म्यू वन डबल डबल डैश, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0.088 आ रहा है, प्लस 6 इंटू म्यू टू डबल डैश की वैल्यू आ रही है आपके पास 2.496 इंटू म्यू वन डबल डैश, दैट इसका स्क्वायर 0.088 का स्क्वायर, माइनस यहाँ करेंगे 3 इंटू म्यू वन डबल डैश लाइक 0.088 का पावर 4, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे म्यू फोर डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 18.3314 आएगी है ना, 3314
13 आएगी, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी आएगी, म्यू फोर की वैल्यू आएगी। स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैं आपको लिख देता हूँ, म्यू वन हमारे पास 0 आया, म्यू टू हमारे पास आया 2.488, म्यू थ्री हमारे पास आया कितना है, म्यू थ्री हमारे पास 0.6755, और म्यू फोर हमारे पास कितना आया 18.33413। तो ये हमारा आंसर हुआ। दिस ऑल आर द मोमेंट अबाउट द मीन। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे बीटा वन की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो बीटा वन का फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब। तो म्यू थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0.6755 का क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब, तो 2.88 का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.029, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.03 के आसपास आ रहा है। इसी टाइप से हम बीटा टू की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो ये आएगा आपके पास म्यू टू का स्क्वायर, या म्यू फोर ले लीजिए, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। तो म्यू फोर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 18.33413 डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। म्यू टू की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.488 का स्क्वायर, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.928, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास बीटा वन और बीटा टू आया, इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट मैं फिर से बता दूँ कि आपको टेबल आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, इससे आपको क्या करना है, पहले आपको मोमेंट्स अबाउट 5 निकालेंगे हम, क्योंकि सेंटर में यहाँ पे देखो ओरिजिन से भी कर सकते हैं हम, 5 से करेंगे थोड़ा ईजी पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हमारे पास म्यू वन डबल डैश, म्यू टू डबल डैश, म्यू थ्री डबल डैश, म्यू फोर डबल डैश, इनकी वैल्यू ये निकालेंगे और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे जो मैंने फार्मूले से पहले वाले वीडियोज़ में बताए थे, वो मैंने डैश को लेकर बताया था, डैश की जगह हम डबल डैश भी रखेंगे तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर चारों मोमेंट अबाउट मीन आ जाएंगे, इनसे हम बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो बीटा टू की वैल्यू अराउंड 3 आ रही है और बीटा वन अराउंड क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये हमारे पे क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और क्या होगा, मेसोकूटिक होगा। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि वॉट इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और मेसोकूटिक होगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और, द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4, आपको 4 के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट्स दे रखे हैं, इज -1.517 -3108, फाइंड द बीटा वन एंड बीटा टू एंड आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन भी निकालिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे जो गिवन है वो दे रखा है म्यू वन डबल डैश, है ना। 4 के अबाउट जो भी दे रखा हो तो म्यू वन डबल डैश इज -1.5, म्यू टू डबल डैश आपको दे रखा है 17, म्यू थ्री डबल डैश आपको दे रखा है माइनस का 30, एंड म्यू फोर डबल डैश आपको दे रखा है 108। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो म्यू वन होता है वो तो 0 होता है, म्यू टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो म्यू टू डबल डैश दिए डबल डैश इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी। फार्मूला वही रहेगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। क्या आएगा यहाँ पे देखो, ये 17 का स्क्वायर माइनस माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.75। देन हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो म्यू थ्री स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी स्टूडेंट, म्यू थ्री की वैल्यू हमारे पास माइनस का 30 माइनस 3 इंटू ये आएगा 17 इंटू माइनस का 1.5 प्लस 2 इंटू माइनस का 1.5 का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 39.75। इसी टाइप से हम बात करेंगे म्यू फोर, और म्यू फोर की जो म्यू फोर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 108 माइनस 4 इंटू म्यू थ्री की वैल्यू हमारे पास 30 है, म्यू वन हमारे पास 1 माइनस का 1.5 है, प्लस 6 म्यू टू डैश इज 17, है ना। देन ये आएगा आपके पास माइनस का 1.5 का स्क्वायर, है ना। देन माइनस का 3 इंटू माइनस 1.5 की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 142.3125। ये वैल्यू हम निकालेंगे, अब देखो हमें बीटा वन और बीटा टू निकालना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं बीटा वन का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, म्यू थ्री का स्क्वायर। स्टूडेंट म्यू थ्री का स्क्वायर दे रखा आपको 39.75 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब कितना है 142.3125। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4924 आएगा। इसी टाइप से हम बीटा टू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, बीटा टू का फार्मूला होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास म्यू फोर का वैल्यू कितना है 142.3125 डिवाइडेड बाय म्यू टू स्क्वायर, दैट इज 1.14.75 का होल स्क्वायर, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 6541, है ना, 0.6541 आएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
as beta 1 is not equal to 0, है ना? Hence distribution is, क्या होगा यहाँ पे? Distribution is क्या होगा? Unsymmetric, है ना? या unsymmetric, symmetric नहीं होगा, unsymmetric होगा, है ना? ठीक है, unsymmetric होगा. और as beta 2 is not equal to 3, है ना? 3 की वैल्यू नहीं है, है ना? तो beta 2 less than 3 आ रहा है, यूँ समझ लीजिए, है ना? इसकी वैल्यू 3 से छोटी आ रही, देखो आप, 3 से छोटा आ रहा है. तो ये क्या होगा यहाँ पे? Distribution is, क्या होगा यहाँ पे? Distribution is Platykurtic होगा, है ना? क्या होगा? Platykurtic. 3 से कम होता तो Platykurtic होता है ना. स्टूडेंट, मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं इससे पहले वाले में, है ना? तो Platykurtic होगा. तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं? वैल्यूज निकालते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, आप ये आपके सामने मैंने डिस्कस किया, है ना? तो यहाँ पे आपसे मोमेंट अबाउट द ले रखा था, 4 दे रखा था, है ना? और आपने मोमेंट अबाउट द मीन ओरिजिन निकाल दिया. आपसे पूछा था कि ओके सॉरी, क्या पूछा आपसे? आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो मोमेंट अबाउट ओरिजिन. अच्छा, मोमेंट अबाउट ओरिजिन नहीं दे रखा आपको, अभी आपने निकाला वो मोमेंट अबाउट मीन निकाला. एक काम और करना है कि आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाला. देखो, पहले मैंने आपको ये बता दूं कि मैंने अभी यहाँ पे मोमेंट अबाउट मीन निकाल दिया, है ना? दिख रहा है वो जो फार्मूले से वैल्यू निकाली, देन यहाँ पे बीटा वन और बीटा टू निकाल दिया. बीटा वन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही? 0 के बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक है. और बीटा टू की वैल्यू क्या आ रही है? 3, लेस 3 से कम आ रही है, 3 से कम आ रही थी. क्या होगा? Platykurtic होगा. और आप देख रहे हो बीटा वन 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं इसको. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट ओरिजिन. तो स्टूडेंट, मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ. देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझने की कोशिश करिए. ये आपको गिवन है ना, ये गिवन है. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? e x माइनस 4 दे रखा है. ये याद है आपको? क्या दे रखा है? x माइनस 4. भैया इसका मतलब ये होता है ना, मोमेंट अबाउट 4 ये दे रखा है. अब इस e को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा? ex, और 4 तो 4 ही हो जाएगा, माइनस 1.5. तो ex की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये माइनस 4 उधर गया, है ना? तो जाके प्लस 4 हो जाएगा. तो प्लस 4 माइनस 1.5, तो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 आएगा. तो ये हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन आएगा. क्लियर है? दिस इज म्यू वन डैश. क्लियर है? इसी टाइप से हमें म्यू टू डैश निकालना, तो इसको इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं. तो मैं आपको 2 मिनट समझाता हूँ एक बार इसको हटा के. सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बताया था कि म्यू वन डैश की वैल्यू 2.5 आएगी. नाउ हम बात करेंगे, देखो ना, ई एक्स माइनस 4 है, तो ई एक्स और ये 4 उधर चला जाएगा, 4 उधर जाके जाएंगे, तो 4 माइनस 1.5 2.5 आएगा. नाउ अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? मोमेंट अबाउट द, लाइक ये हमें गिवन है, है ना, दे रखा है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17. जानते हैं ये होता है इसकी वैल्यू, है ना? ना उसको खोल दीजिए आप, खोलेंगे तो क्या आएगा? ये ई एक्स स्क्वायर माइनस 8 ई एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 17 आएगा. क्लियर है? अरे भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ना? नाउ हमें ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, यही होता है मोमेंट अबाउट में. उसको उधर लेके जाइए, है ना? तो 16 और ये 17, तो ये आएगा 17 माइनस 16 प्लस 8 ई एक्स. और ई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी? 2.5 दे रखी है. ये 2.5 उठा के रख दीजिए, और इसको बोलते हैं हम म्यू टू डैश. दैट इज 17 में से गया तो 1 बचा, प्लस 8 इंटू 2.5. तो स्टूडेंट, 8 इंटू 2.5 20 होता है. 21 कितना हो जाएगा? 21. इसी टाइप से अगर बात करें हम ई एक्स माइनस 4 का क्यूब, तो यही वो फार्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना? फार्मूला लगेगा तो हम जानते हैं क्या होगा ये ई, है ना? चलो इसको कर लेना, है ना? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ई एक्स क्यूब इसकी वैल्यू ये आएगी. इस टाइप से ई एक्स 4 की वैल्यू ये आएगी. तो यहाँ पे हम मोमेंट अबाउट द लाइक निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू. इसको बोलते हैं हम म्यू 3 डैश, है ना? इसको बोलते हैं हम म्यू 4 डैश. क्लियर है? तो इस तरीके से आप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट, मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया कि मोमेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता करते हैं. इससे पहले मैं ऑलरेडी मोमेंट्स और स्क्यूनेस और कुर्टोसिस का कंसेप्ट समझा चुका हूँ. जो से जस्ट पहले वाला वीडियो, वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए. सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बना रहिए मेरे साथ. बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ. और लास्ट में आप जो प्लेलिस्ट आ रही है, यहाँ पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं. स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें. थैंक यू, बाय.